बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के विज्ञापन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ बिहार सीजीएल के विज्ञापन कब तक आएंगे, और साथ में हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय विज्ञापन को लेकर भी, इसके विज्ञापन कब तक आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो सीजीएल की कन्फर्म अपडेट है और इंटर लेवल के भी विज्ञापन के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं हूँ अविनाश कुमार, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय सेकंड इंटर स्तरीय विज्ञापन को लेकर। जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुन रखा था अप्रॉक्स 2400 के आसपास इंटर स्तरीय के विज्ञापन जुलाई के आखिरी सप्ताह में आएंगे, पर इसको लेकर इंटर स्तरीय विज्ञापन को लेकर कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हो सकते हैं विज्ञापन आते भी हैं तो ये अगस्त सितंबर तक विज्ञापन आ सकते हैं, ठीक वैसा ही कुछ अपडेट मिल रहा है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय सेकंड इंटर स्तरीय विज्ञापन को लेकर। क्योंकि अभी तक देख रहे हैं जो विज्ञापन 2014 में आया था इसके अभी तक पूरी तरह से प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, और उसके बाद यहाँ पर नए विज्ञापन अभी आ जाए तो कुछ अजीब सा लगेगा। तो यहाँ पर बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय, और यहाँ पर अभी जो प्रोसेस बचा हुआ है, यहाँ पर टोटल सभी विभाग से पोस्ट के जो सारे विभाग अभी तक पूरी तरह से पोस्ट डिटेल एंड किस विभाग के पास कितने खाली हैं ये अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ इंटर स्तरीय को लेकर, और सीजीएल को भी लेकर कंप्लीट नहीं हुआ। फिर भी यहाँ पर अप्रॉक्स जो मान है लगभग 1950 के आसपास, और मैक्सिमम वैकेंसी जो रहेंगे यहाँ पर 2000 से नीचे रहेंगे, यदि ज़्यादा से ज़्यादा जाता है तो 2250 के आसपास रहेगा या इससे कम रहेंगे। मैक्सिमम जो उम्मीद रहेंगे 1950 या 1960-70 के आसपास विज्ञापन टोटल रहेंगे बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल में। और इसके विज्ञापन को लेकर बात करें, इसके विज्ञापन कब तक आएंगे, तो इसके विज्ञापन को लेकर जो अपडेट निकल कर आ रही है जुलाई के पहले सप्ताह में, मैक्सिमम चांसेस है कि पहले सप्ताह या ज़्यादा डिले होते हैं तो सेकेंड वीक के शुरुआत समय में, ज़्यादा डिले नहीं होंगे सेकेंड वीक के, जुलाई के शुरुआत समय में ही, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक आ जाएंगे विज्ञापन। पर यदि डिले होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन डिले होंगे, और 2 से 3 दिन डिले होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 जुलाई के आसपास आपको विज्ञापन बिहार एसएससी सीजीएल को देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम चांसेस कुछ ऐसा ही होने के, और कुछ बदलाव होते हैं तो जो भी बदलाव होंगे टेक्निकल इशू की वजह से होंगे, पर मैक्सिमम चांसेस हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में ही विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो भी वेट कर रहे थे विज्ञापन कब तक आएंगे, अब यहाँ पर आपसे भी क्लियर होगा विज्ञापन जुलाई के पहले सप्ताह में आ रहे हैं। अब जुलाई के पहले सप्ताह में आ रहे हैं, अब आपको प्रिपरेशन में लगना चाहिए। और यहाँ पर एग्जाम को भी लेकर बात करें तो जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगे, जैसे अभी सारे डिस्ट्रिक्ट एग्जाम लेने के लिए अलाउ, जैसे अब मेरा कहने का मतलब है कि जब थर्ड वेव की बात की जा रही है सितंबर के आसपास, तो थर्ड वेव आ जाती है उसके बाद आपको बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के प्री एग्जाम भी हो जाएंगे, तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। पर अप्रॉक्स आप मान भी चल सकते हो कि फॉर्म भराने के बाद 4 से 3 महीने के आसपास आपको समय मिलेगा, अब इतना काफ़ी है। हाँ, यदि आपका इससे पहले का बेस बहुत वीक है, आप स्टार्ट ही करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल के फॉर्म फिलअप करने के बाद, तो आपको बहुत ज़्यादा समय देना होगा, अप्रॉक्स 8 से 7 घंटा 9 घंटा के आसपास प्रिपरेशन में आपको यहाँ पर समय देने होंगे, तब जाकर सभी चीज़ को आप कवर अप कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर पेपर रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, और मैथ के भी प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, और यहाँ पर जीके जीएस जनरल नॉलेज में भी आपको बहुत मेहनत करना है, जनरल साइंस में भी बहुत मेहनत करने होंगे, तब जाकर एक अच्छे स्कोर यानी 120 के आसपास 118 के आसपास कर पाएंगे। और इतना स्कोर कर पाते हैं तब, यानी इससे ज़्यादा करने होंगे, कम से कम 135 के आसपास स्कोर करने होंगे, तब जाकर यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद रहेगी। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने होंगे, उसके बाद यहाँ पर बिहार से सीजीएल में आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी अपडेट है, और ज़्यादा अब डिले नहीं होगा, जहाँ तक तो उम्मीद है कि जुलाई के पहले सप्ताह में ही आपको विज्ञापन आ जाए। अब इस मंथ तो निकल गए, मंडे से लेकर ट्यूजडे तक क्लियर हो जाएगा, कि लगभग अप्रॉक्स क्लियर की बात करें तो ये आपको जुलाई के 31 जून से लेकर 2 जुलाई के आसपास क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली किस डेट को विज्ञापन आएंगे, तो उसी समय आपको बता दूंगा कि किस डेट के एग्जैक्टली विज्ञापन आएंगे। पर अभी के लिए जुलाई के पहले के सप्ताह में आपको विज्ञापन आने के मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस है कि जुलाई के पहले सप्ताह में ही आपको विज्ञापन देखने को मिल जाए, इससे ज़्यादा आप डिले नहीं होंगे। डिले होते तो 8 से 9 जुलाई के आसपास 9 जुलाई जा सकते हैं या 10 जुलाई जा सकते हैं, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, जिससे आपको अपडेट ऐसे मिलते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।